माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4347, 4375, 2014 में जो पारित हुआ था 7/12/2015 के अनुपालन के प्रत्यावेदन देने वाले उन 12,091 व्यक्तियों की सूची है ये, जिन्हें कोर्ट ने आज नियुक्ति देने को कहा है। 12,091 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराई यूपी सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। बेसिक शिक्षा परिषद 22 से 25 जनवरी के बीच निकाले विज्ञापन, कोर्ट ने कहा। गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा, 72,825 प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का मामला, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में जो 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा वह सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और 5 फरवरी के आसपास नियुक्ति करे। वहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए भी कहा है, काउंसलिंग में हाजिर ना होने से संबंधित देना होगा हलफनामा। अब जो याची बने हैं अगर वो नहीं आ रहे तो उन्हें हलफनामा देना होगा। अब बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समय 2,000 रुपये भी जमा करने के लिए कहा गया है। तो चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस के लिए बतौर शिक्षा परिषद के समझ 2,000 रुपये जमा करना होगा। तो यही लिस्ट है जिसमें 12,091 का डाटा है, अभ्यर्थियों द्वारा उल्लेखित तिथि अनुक्रमण तथा एस टी आर टी के द्वारा जो नंबर है। यहाँ पे देखिए नाम क्या है, पहले नाम है आकांक्षा श्रीवास्तव, यहाँ पे देखिए रमेश चंद्र श्रीवास्तव, डेट ऑफ बर्थ 1982। फिर है आमिर सिद्दीकी, यहाँ पे 1983। आरती गोस्वामी 1980। तो ये नाम भी दिया गया है यहाँ पे और सबका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे टेट का नंबर भी आगे दिया गया है कितना था टेट में। तो यहाँ पे सभी लोगों का उल्लेखित किया गया है। यहाँ पे देखिए अभिषेक कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह 1/7/1990। पाँच सौ चार पेज का ये डाटा है। याची की ये लिस्ट है। पूरे लिस्ट है।